नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार टूटल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस की सीरीज, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था फ्रेगमेंट्स के बारे में कि फ्रेगमेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया पहले पुराने वीडियो देख लें, जो हमारे प्रीवियस वीडियो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको ईजी तरीके से समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। जैसा प्रॉप्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, वहाँ मैंने बताया था कि स्टेट भी आगे हम स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रॉप्स के थ्रू हम अपने डाटा डायनेमिक चेंज नहीं कर सकते थे, वैल्यू के अंदर जो वैल्यू एक बार पास कर दिया वही पास कर दिया, उसमें डायनेमिकली हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। वो हम आज के वीडियो में स्टेट के थ्रू चेंज करके देखेंगे कि स्टेट के थ्रू इसकी वैल्यू कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को, जैसा कि मैंने बताया, आप हमारे यहाँ पे, मैंने स्टेट से रिलेटेड एक आर्टिकल भी अपने ट्यूटोरियल्स वेबसाइट डॉट कॉम पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी जाके स्टडी कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्टडी आपको करना है तो यहाँ से भी आप सारे हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही फेसबुक पेज पे भी जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो जाके फेसबुक पेज पे लाइक करना ना भूलें और फॉलो करना ना भूलें फेसबुक पेज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट बनाया हुआ है एम्प्लॉय नाम का, अभी भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं कोड एक बार हटाता हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बनाया जिसके अंदर एम्प्लॉय है, एक्सटेंड किया है कंपोनेंट का, जो कि यहाँ पे कंपोनेंट को हमने एक यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है, इसलिए रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ा हमें। उसके बाद रिएक्ट डोम डॉट रेंडर किया है, एम्प्लॉय कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कराया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट, आई डी रूट ये आपको पता है कहाँ है, आपका जो पब्लिक फोल्डर होता है इसका जो एच टी एम एल फाइल है इसके अंदर ये रूट नाम का डिप होता है, इसीलिए वहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो ये सिंपल सा है। अब इसके अंदर मैं फिर से क्या करता हूँ, एक एच वन टैग लिखता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर लिखता हूँ हेलो एम्प्लॉय। ठीक है, अब जितना मैं लिखा हूँ सेव करते हैं और इसको रन करते हैं नॉर्मली। तो एन पी एम स्टार्ट करता हूँ। एन पी एम जैसे स्टार्ट करेंगे ये थोड़ी देर में रन हो जाएगा, हमारा कंपाइल हो जाएगा कोड और ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा इसका आउटपुट जो भी आएगा, जो कि यहाँ पे लिख रहा है सिर्फ हेलो एम्प्लॉय। तो यही एक एम्प्लॉय का यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए स्टार्ट हुआ, बाकी क्लोज कर देता हूँ विंडोज़। तो यहाँ पे जैसे ही लोड होगा यहाँ पे आपको हेलो एम्प्लॉय यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ नाम पास करना है, यहाँ पे मान लीजिए नाम पास करता हूँ एज ए प्रॉप्स। ठीक है, अब प्रॉप्स की बात करते हैं, तो मैंने नेम पास किया प्रदीप मौर्य। ठीक है, ये मैंने पास किया। अब आपको पता है कि अगर प्रॉप्स को हमें गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली ऐसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं आपका ऐसे दिस डॉट प्रॉप्स। ठीक है, डॉट जो भी हमने दिया है नेम, ये नेम दिया है, सेव करेंगे तो यहाँ पे एरर है बिकॉज कि यहाँ पे हमने एक नोड नहीं यूज़ किया है। तो अब डिव की जगह, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम फ्रेगमेंट में, मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट में हमें डिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं तो हमारा कोड रन कर जाएगा और जो एक्स्ट्रा डिव का ऑप्शन था वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अब चलते हैं, ये देखिए आ गया प्रदीप मौर्य, हेलो एम्प्लॉय प्रदीप मौर्य, यहाँ पर रिजल्ट आ गया। इसके आगे हम नाम भी लिख दें नेम, तो ये ज़्यादा अच्छा लग गया। ठीक है, यहाँ तक सही है, प्रॉप्स के थ्रू हम कर रहे थे। लेकिन अब बात यहाँ आ रही थी कि प्रॉप्स के थ्रू जो नेम है उसको हम चाह रहे थे कि नेम चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हमें करने के लिए क्या है, हमें यहाँ पे कंपोनेंट पे जो पास करेंगे वही रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अगर मैं अब बात करूँ कि इसे हम चेंज कर सकते हैं या फिर इसके जो प्रॉप्स की वैल्यू जो आ रही है उसके हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, तो ये अब कैसे करेंगे इसके बारे में अब हम चलिए देखते हैं। तो प्रॉप्स की वैल्यू आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ, ट्यूटोरियल वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा हुआ है तो आप इसको देखें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ से बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। जैसे देखिए एरिया जो हम स्टेट बनाएंगे ना रिएक्ट कंपोनेंट, दो तरीके से हम बनाते हैं, एक तो डायरेक्टली इनसाइड बना देते हैं और दूसरा है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्टली इनसाइड में हमें क्या बनाना होता है, नॉर्मली हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे स्टेट, स्टेट के साथ जो भी आपका वैल्यू है नेम है, अगर यहाँ स्टैटिक आपने डिफाइन किया तो स्टैटिक,
यहाँ पे अगर यहाँ से आप पास कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे इम्प्लॉय आईडी पास नहीं किया है, बट यहाँ पे मैंने गेट करने का तरीका आपको बताया कि इम्प्लॉय आईडी ऐसे भी आप गेट कर सकते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इम्प्लॉय आईडी। मैं चेंज कर दूंगा आर्टिकल में तो आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और इस इम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे ऐसे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेट में ना पास करके इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे गेट कर सकते थे, बट हम स्टेट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए स्टेट को कैसे यूज़ करेंगे और स्टेट के अंदर हम प्रॉप्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे या गेट करेंगे, वो ये तरीका है। तो चलिए इसको मैं आपको अब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी आपने यहाँ पे देखा कि प्रॉप्स जो है डॉट यहाँ पे आपने यहाँ पे गेट कर लिया। अब मैं कहूँ कि इसको हम सबसे पहले स्टेट एक क्रिएट करते हैं। स्टेट भी बिल्कुल मतलब प्रॉप्स की तरह ही वर्क करता है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर होता है बस। अब स्टेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया और मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम। अब नेम की वैल्यू अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ ना गेट करके इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे गेट करता हूँ, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हो गया। अब हमें अब बात यह है कि स्टेट की वैल्यू, अब तो हमने जो प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे स्टेट के अंदर पास करे, तो यहाँ पे ये कैसे गेट करेंगे। तो स्टेट भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है, तो ये एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी की तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंस करते हैं ना दिस कीवर्ड के साथ, उसी तरह इसको भी गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा दिस डॉट, अब यहाँ प्रॉप्स जो लिखते थे उसकी जगह अब लिखना होगा आपको स्टेट, क्योंकि अब हम जो वैल्यू अब गेट कर रहे हैं स्टेट के अंदर से गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट स्टेट के अंदर अब कौन सा वैल्यू है, नेम के अंदर डॉट नेम। अगर इस तरीके से आप करते हैं और सेव करते हैं तो भी देखिए रन कर रहा है कंपाइल कोड और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे देखिए आ गया नेम प्रदीप मौर्या, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए स्टेट का कैसे यूज करेंगे आप नॉर्मल फंक्शन के अंदर। अगर यही बात करूँ कि मैं यहाँ से कोई और एक वैल्यू पास करता हूँ, सपोज मान के चलो, या फिर इसको यहीं रहने देते हैं, सेव करते हैं और एक बार इसी चीज़ को हम एक कंस्ट्रक्टर के साथ देखते हैं, तब हम आगे प्रोसेस करेंगे, तब कि और अच्छे समझ में आ गए। ये तो नॉर्मल था, डायरेक्टली हमने स्टेट को डिफाइन कर दिया क्लास के अंदर, हमने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, अगर हम ये सोचें कि अब कंस्ट्रक्टर का यूज करें हम इस कोड में, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए कि क्योंकि हम आगे जो हम कॉन्सेप्ट या वर्क करेंगे उसमें कंस्ट्रक्टर के साथ ही हम स्टेट क्रिएट करेंगे, बिना कंस्ट्रक्टर के हम काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसमें अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमेशा पेरेंट कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना होता है। और आपको एक चीज़ और याद है, अगर हम PHP में कंस्ट्रक्टर बनाते थे या फिर कहिए किसी फ्रेमवर्क में जो PHP का, तो उसमें हम अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अंडर नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिंपली इसमें कंस्ट्रक्ट जैसे हम लिखते हैं वैल्यू ऐसे लिखनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है, इसके अंदर फंक्शन, अगर प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे प्रॉप्स डिफाइन करेंगे, अगर नहीं आ रही है तो नॉर्मल आप कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, ये देखिए आ गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको फंक्शन एज ए फंक्शन डिफाइन करना होगा हमें, फिर ऐसे। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जो ये एक तरह से पेरेंट कंस्ट्रक्टर हुआ है, अब इसको कॉल करने के लिए या इसकी वैल्यू को यहाँ पे आपको सुपर आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। जब तक सुपर नहीं डिफाइन करेंगे ऊपर का पेरेंट कंस्ट्रक्टर पास नहीं होगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन किया गया, उसके अंदर में यहाँ पर सुपर देखिए यहाँ पर फंक्शन या मेथड के यहाँ पर डिफाइन किया गया, ताकि पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सके। उसके बाद अब ये जो स्टेट यहाँ पर हमने लिखा था इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको अब इसके अंदर पास करते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे तो भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, वो देखते हैं। स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, अब यहाँ पे आ रहा है स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, देखा आपने स्टेट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है तो ये इसको एज ए ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड के साथ हमें यहाँ पे गेट करना होगा। नॉर्मली अब स्टेट नहीं लिख सकते, इसको दिस डॉट स्टेट हमें लिखना होगा। जैसे हम दिस डॉट स्टेट लिखेंगे, अब ये देखिए रन कर रहा है और इसका आउटपुट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या रहा है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे प्रॉप्स की प्रॉपर्टी नेम गेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आप अब डिफाइन कर रहे हो, यहाँ से तो आप प्रॉप्स डिफाइन आपने कर दिया कि इम्प्लॉय के जो कंपोनेंट है उसके अंदर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पे गेट भी कर रहे हो, बट इसको पास नहीं किया हमने यहाँ पे। तो मैंने बताया ना, अगर प्रॉप्स की वैल्यू पास कर रहे हो या गेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स यहाँ पे पास करना है, और यहाँ पे पास करेंगे तो रिटर्न भी करना है सुपर में, ठीक है। इस तरीके से अब सेव करेंगे तो अब जाएंगे तो ये देखिए आपको रिजल्ट आ रहा है। तो क्या देखा आपने इसमें कि अगर आप कंस्ट्रक्टर के साथ बनाते हैं स्टेट या कॉल कराते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ,
ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन करना है। अगर उसमें कोई पैरामीटर है यानी कि प्रॉप्स वगैरह पास करना है तो उसके फंक्शन के अंदर पास करना है, और उसके अंदर आपको सबसे पहला काम करना है सुपर, जो है सुपर फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, ताकि पेरेंट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया जा सके। तो यहाँ पे सुपर फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर है वही आपको यहाँ पे सुपर के अंदर भी पास करनी है। उसके बाद अंदर उसके बात करते हैं क्या आप डिफाइन करते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आप डिफाइन करेंगे वो दिस कीवर्ड के साथ ही बनेगा। यहाँ पे देखिए दिस डॉट स्टेट, अभी बाहर थे तो हम नॉर्मली स्टेट गेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर गेट करना है तो दिस के साथ आपको लगाना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट। अब इसके अंदर आप अपना वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल वैल्यू थी, अब मान के चलिए यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ काउंट काउंट, और यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ जीरो। मैंने यहाँ पे एक समझ लिया एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया काउंट एक जीरो, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब हम आपको डायनेमिक वैल्यू काउंट की चेंज करके दिखाएंगे कैसे। अब यहाँ पे लिखते हैं एच वन टैग फिक्स है, या एच वन टैग लिखते हैं टोटल क्लिक, एक बटन बनाएंगे अभी हम, लिख जाइए टोटल क्लिक यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है, ये लिख रहे हैं, सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या आंसर आएगा जीरो। यहाँ पे देखिए टोटल क्लिक जीरो आया। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो रिटर्न हो रहा है इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बनाते हैं सिंपल सा पहले, और यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का ऑन CLIC के ऑन क्लिक पे हम मान लीजिए कोई यहाँ पे एक फंक्शन हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्लिक में मेरा फंक्शन का नाम हो जाता है यहाँ पे, अगर हमने डिफाइन किया और इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्वोट्स के अंदर क्लिक में, ठीक है, ऐसे आप डिफाइन करते हैं। अगर हमें बटन के अंदर डिफाइन करना होता है, कंट्रोल सेव करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखते हैं बटन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए बटन, चूंकि बटन के अंदर कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे, मान लीजिए देते हैं क्लिक में सेव किया हमने। अब यहाँ पे एक बटन मिला, अब इस पर क्लिक करें तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने बनाया, अब इस फंक्शन को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन जिसका कि नाम देता हूँ क्लिक में, ठीक है, क्लिक में जो यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दिया है, ये देखिए ये जो हमने पास किया क्लिक में, इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा, यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जैसे इस क्लिक फंक्शन को कॉल हो तो यहाँ पे स्टेट की जो स्टेट के अंदर जो ये काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे एक प्लस हो जाए, ताकि इसकी वैल्यू काउंट जितनी बार क्लिक करें उतनी वैल्यू चेंज हो जाए। यानी कि अब स्टेट की वैल्यू में हम डायनेमिक चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये काउंट यहाँ पे भी ना पास करके अगर हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अब सेव करते हैं और इस काउंट की वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जो हमारा कंपोनेंट है, यहाँ से पास करते हैं तो आपको और अच्छे समझ। सपोज यहाँ से आप प्रॉप्स पास कर रहे हो आप, ठीक है, काउंट नाम का, और इस काउंट के प्रॉप्स को यहाँ पे गेट कर रहे हो, सेव करते हैं और देखेंगे तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब सब चीज़ सही है, परफेक्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस काउंट की वैल्यू को अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ से ही चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए दो एक किया तो इसकी वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे एक हो जाएगी, दो किया तो दो हो जाएगी। बट मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जीरो डिफाइन है, बट बाद में अगर बटन के क्लिक पे मैं चाहूँ कि इसकी डायनेमिक वैल्यू चेंज हो, तो अब उसी के लिए हम काम कर रहे हैं कि स्टेट की हेल्प से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट में हमने एक बार स्टोर करा लिया जो प्रॉप्स की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बटन डिफाइन किया हमने और उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा क्लिक में, जो नॉर्मल हम बटन के अंदर लिखते हैं ऑन क्लिक पे फंक्शन। अभी देखिए इसमें भी अभी चेंजेस करने पड़ेंगे, बट अभी देखिए अभी क्या कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मली बटन बनाते हैं तो इसमें अब वैल्यू हमें गेट करने का आपको पता है कि अगर स्टेट की वैल्यू हमें अब बाहर गेट करनी है यहाँ पे, तो हम सीधे नॉर्मल लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू को अगर चेंज करना है या रिटर्न करना है तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको वैल्यू को सेट करना होगा, ठीक है। तो दिस डॉट सेट लिखेंगे, ये देखिए दिस डॉट सेट स्टेट कोर्स बंद, और सेट स्टेट के अंदर हम ये लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब स्टेट के अंदर किसकी वैल्यू चेंज करनी है, सिर्फ हमें काउंट की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। काउंट की वैल्यू चेंज करनी है तो काउंट लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे लिखेंगे ये,
दिस डॉट हमें क्या करना, स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है, तो स्टेट डॉट किसकी है, काउंट की, तो ये काउंट ये हो गया प्लस वन, इतना लिखना है हमें और कुछ नहीं करना, इतना लिखे। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अब क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। ये देखिए अभी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, जबकि हमने यहाँ पे लिखा भी। अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं, आपको दिखाते हैं एरर यहाँ पे अगर आ रहा होगा तो कंसोल में। ये देखिए भर भर का एरर है। सबसे पहले आप रिफ्रेश करते हैं तो ये दिखा रहा है, ऑन क्लिक लिसनर टू फंक्शन इंस्टेड गॉट वैल्यू स्ट्रिंग टाइप। मतलब कि इसमें लिख रहा है, वार्निंग दे रहा है कि ऑन क्लिक जो है ये इसका कोई लिसनर नहीं बना है, ठीक है, ऑन क्लिक पे। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, पासिंग आर्गूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑन क्लिक हम यहाँ पे बना रहे हैं तो अब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आपको अब देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये फंक्शन कॉल कब होगा, क्योंकि ये अब हमने क्या बनाया है, इस क्लास के अंदर बनाया है, जो भी हमने ये फंक्शन बनाया है इस क्लास कंपोनेंट के अंदर बनाया है, एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है उसके अंदर बनाया है, जो कंपोनेंट है क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन को इसके अंदर बनाया है तो इस फंक्शन को गेट करने के लिए यहाँ पे हमें, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन या किसी मतलब क्लास कंपोनेंट के अंदर कुछ डिफाइन करते हैं उसको गेट करने के लिए क्या होता है, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं हम यहाँ पे, आपको पता है दिस कीवर्ड। तो यहाँ पे भी अब हमें यहाँ से हटा के इस कर्ली ब्रैकेट को ऐसे लिखना होगा और इसको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा दिस डॉट, ये देखिए क्लिक मी, अगर मैं आप यहाँ से हटाऊँ तो ऐसे लिखेगा दिस डॉट क्लिक, ये देखिए क्लिक मी आ गया मेथड, ऐसे सेव किया, वापस चलते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे है, क्लिक किया अभी वर्क नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्लिक मी, एरर इसमें काउंट का बता दिया कि इसमें, अब आप यहाँ पे कंसोल में आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे देखिए एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट इज द प्रॉपर्टी सेट स्टेट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे जो ये सेट हमने डिफाइन किया है यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हो रहा है ये दिस डॉट सेट, यहाँ पे जो है फंक्शन है, एक बार फिर से यहाँ पे कंसोल में लॉक करते हैं। और ये अभी आपने किया यहाँ पे, कोई एरर नहीं है, सब चीज़ सही है। अभी जो एरर आ रही थी अभी देख रहे थे, अभी जो एरर आ रही थी वो इसकी आ रही थी, क्लिक मी की एरर आ रही थी, बट अब ये एरर खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्लिक मी पे फंक्शन पे क्लिक करेंगे तब एरर आ रही है। अब इसमें क्या एरर आ रही है, सबसे पहले कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी सेट स्टेट इज अनडिफाइंड, जो ये सेट स्टेट की यहाँ पे जो हमने किया है वो अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट अनडिफाइंड बता रहा है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं एक बार फिर से इस पर अगर आप रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, ये देखिए कंपोनेंट प्रॉपर्टी यहाँ के बारे में बता रहा है कि एनी थिंग स्टेट करते हैं आप, नंबर या सिंबॉलिक करते हैं स्टेट को, और स्टेट की वैल्यू कुछ भी जो है वो पास करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आप पास करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू रिटर्न करती है। तो दोस्तों अब क्या है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, आपको देखेंगे यहाँ फिर से मैं दिखाऊँ, ये देखिए क्लिक करने पर यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी बता रहा है कि अनडिफाइंड है, ये जो प्रॉपर्टी आप सेट कर रहे हैं वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, हमको दो चीज़ों पे बेसिकली काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लिखनी है जो हमने लिखा है, फंक्शन बनाया है क्लिक में, इसको क्या करना है यहाँ पे आपको बाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है दिस डॉट क्लिक में, किस तरीके से डॉट फिर क्लिक में, जैसे लिखते हैं डॉट, यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कि दिस डॉट क्लिक में, मतलब जो फंक्शन है उसको कॉल करा, फिर उस फंक्शन को बाइंड करना है एक दूसरे के साथ जितनी बार क्लिक होगा, ताकि उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिले। अब यहाँ पे बाइंड हो गया, फिर आपको यहाँ पे अब एक एक वैल्यू हम डिफाइन करते हैं लेट फंक्शन के साथ, जिसका नाम देते हैं काउंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने उसके नीचे गेट किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं ये जो वैल्यू है, फिर यहाँ से थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब इस वेरिएबल में आ गया, अब हम इस वैल्यू को क्या करना होगा, पहले इंक्रीमेंट, आपको दो पता है कि आपका जैसे हम लिखते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें प्लस वन, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे प्लस प्लस, दो बार ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, आपको पता है, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या सही है, हमें क्लिक करने पर पहले इंक्रीमेंट हो फिर वहाँ पर डिस्प्ले हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट करेंगे, मतलब प्री हमें यहाँ पे यूज करना होगा ऐसे। अब अगर इसको सेव करता हूँ मैं, तो ये देखिए दो चीज़ें मैंने की, एक तो यहाँ पे बाइंड किया ये जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लिक में, जो बटन या जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उसको बाइंड किया यहाँ पे
ठीक है। उसके बाद जो स्टेट की वैल्यू काउंट थी उसको यहाँ पे गेट किया और उस काउंट की वैल्यू को यहाँ पे जो स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर उसको यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 2 3, अब जितनी बार आप क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसकी जैसे आप बटन पर क्लिक करें इस फंक्शन पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे दिस डॉट क्लिक मी के साथ हमने फंक्शन यूज नहीं किया। जैसे नॉर्मली अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे फंक्शन डिफाइन जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना है आपको। सीधे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक समझ लेगा, जैसे आपने क्लिक मी यहाँ पे लिखा है दिस डॉट क्लिक मी, ये अब ऑटोमेटिक क्या चेक करता है यहाँ पे कि ये है क्या क्लिक मी डिफाइन, कहीं ना कहीं किया हो गया। तो जो क्लिक मी डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया, फंक्शन किया है, मेथड किया है, या कुछ एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वो ऑटोमेटिक ये गेट करके उसके हिसाब से आपका ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये तरीका है कि ये आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉप्स डिफाइन किया जिसका नाम दिया वो मैं आपको और फिर से नए सीरीज बता रहा हूँ कि क्या हम करते हैं स्टेट के अंदर अगर हमें वैल्यू चीज़ करनी होती है। तो सबसे हमने एक कंपोनेंट बनाया है एम्प्लॉय का जिसके अंदर दो प्रॉप्स मैंने डिफाइन किए, एक तो नेम एक काउंट। अब नेम की वैल्यू को मुझे चेंज नहीं करना था तो आगे हमने उसके लिए कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर स्टेट के अंदर हम नेम की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर किया हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें प्रॉप्स गेट करनी है तो सबसे पहले उसको एक एज ए पैरामीटर पास किया, फिर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर यहाँ पे फंक्शन या कहिए मेथड कहिए कॉल किया और उसके अंदर भी आपको प्रॉप्स को एज ए पैरामीटर पास किया हमने। तो इससे क्या होगा, हमारा पेरेंट जो हमारा कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड के साथ स्टेट को डिफाइन किया और स्टेट में कौन कौन सी वैल्यू है ये डायनेमिक हमने पास कर दिया। नेम है पहला पैरामीटर तो हमारा प्रॉप्स जो आ रहा है वैल्यू वो हमने गेट करके यहाँ पे स्टोर कराया, दूसरा काउंट की वैल्यू हमने स्टोर कराया। अब यहाँ पे नेम की वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना था तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, सीधे इसको क्या किया यहाँ पे रिटर्न करा दिया जो रेंडर किया हमने वैल्यू के अंदर नेम में। टोटल क्लिक को भी हमने यहाँ पर आपको जो भी स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर कराया यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। अब हमें क्या था कि एक बटन बनाया हमने और उस बटन पर एक फंक्शन कहिए डिफाइन किया क्लिक मी का, और इस बटन पे क्लिक पे मुझे क्या चाहिए था काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, ठीक है। तो हमने क्लिक मी का बटन बनाया और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया क्लिक मी का, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टेट से वैल्यू गेट किया, सबसे पहले काम किया गेट किया और उस वैल्यू को दिस डॉट सेट उसको सेट करना होता है स्टेट में। एक चीज़ यही देखिए, सेट और गेट मेथड आपने PHP में पढ़ा होगा, जब हम पहले अगर कोई वैल्यू स्टोर मतलब आ रही है पास हो रही है उसको एक स्टोर करते हैं, उसको सेट करते हैं, उसके बाद उसमें चेंजेस करते हैं जो भी आपको उसके बाद मॉडिफाई करना है, उसके बाद उसको गेट करते हैं, सेम यही काम हो रहा है। सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पे स्टेट की वैल्यू को हमने सेट किया, सेट में क्या कर रहे हैं काउंट की वैल्यू जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसी को यहाँ पे लिया, यहाँ पे एज ए पैरामीटर एक कहते हैं ना JSON फॉर्मेट में यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। और इस जो काउंट की वैल्यू हमने गेट किया था इसके थ्रू जो हमारा यहाँ से जो नॉर्मल मतलब प्री डिफाइंड जो हो रहा था प्रॉप्स के थ्रू यहाँ वैल्यू स्टेट में मिल रहा था, उस स्टेट की वैल्यू को यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया प्री इंक्रीमेंट का, यहाँ पे हो चुका। अब क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और देखें, अब इस जो दिस क्लिक मी मतलब ये जो आपका क्लिक मी फंक्शन है उसको यहाँ पे बाइंड करते हैं बार बार जितनी बार क्लिक हो ताकि उसकी वैल्यू यहाँ पे बाउंड मतलब कि ये ना हो कि एक एक करके यहाँ पे जैसे एक बार क्लिक किया तो 0 फिर पहले था बाय डिफॉल्ट, उसके बाद एक किया तो उसके बगल में 1 हो जाए, उसके बाद अगला क्लिक किया तो उसके बगल में 1 हो जाए, वो ना करके इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो तो उस वैल्यू को बाइंड करना होता है मतलब रिप्लेस करना होता है एक तरीके से जो पुरानी वैल्यू है। तो यहाँ क्या किया दिस डॉट क्लिक मी फंक्शन यूज किया, फिर दिस डॉट क्लिक मी डॉट बाइंड, बाइंड करना है दिस फंक्शन, इसी फंक्शन को बाइंड करते रहे मतलब क्लिक मी फंक्शन को बार बार बाइंड करना है जितनी बार क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू चेंज होगी और फिर ये बाउंड मतलब जो काउंट यहाँ पे अपने वेरिएबल है जो स्टेट के अंदर है उसके अंदर चेंजेज होते रहेंगे। तो इस तरीके से आप स्टेट का यूज करके अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने काउंट की बताया, आप कुछ भी कर सकते हैं इसका, अगर किसी और वैल्यू काउंट की जगह कुछ और वैल्यू है जैसे यहाँ पे हमने प्रॉप्स डॉट नेम था ये हमने क्या क्लिक पे हम यहाँ पे ये चाहें कि इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए, मान के चलो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम देते हैं नेम, ठीक है, नेम है, नेम पे क्लिक किया दिस डॉट क्या है हमारा स्टेट डॉट नेम, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ जैसे क्लिक हो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए, तो क्लिक की वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है तो हम इसी तरफ यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखनी है दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया डॉट अस डॉट कॉलन। अब यहाँ पे नाम मैं कुछ और लिख दूँ, प्रदीप की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, मान लो डायनेमिक मुझे चेंज करना है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, सेव करेंगे। तो अब जितनी बार बाय डिफॉल्ट जब आप लोड करेंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट लोड करें तो प्रदीप मोरे आ रहा है,
लेकिन जब क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए काउंट बढ़ा, प्रदीप मौर्या की जगह टूटल वेबसाइट हो गया। इस तरीके से आप डायनेमिक वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है, मतलब स्टेट अब प्रॉप्स की जो वैल्यू आ रही है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार चेंज हो गया, उसके बाद आप क्लिक करें इसकी वैल्यू चेंज हो रही इसकी नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का नहीं ऑप्शन है। यहाँ पे ये कर सकते हैं, चेक करा लें कि काउंट की वैल्यू ये वन हुई तो ये करा सकते, ऐसे करा सकते हैं। हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ नेम की वैल्यू हुई, अब यहाँ पे मैं ये चेक कराऊँ। अब इसमें तो कंडीशन की बात है ना, कंडीशन तो हमारे ऊपर है, हम चाहे जितनी कंडीशन लगाएं। अगर काउंट इक्वल टू वन हुआ, अगर हम ये कंडीशन लगाएं, ठीक है, तो नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मान लो नेम करिए मैंने, नेम इक्वल टू होनी चाहिए ट्यूटोरियल वेबसाइट वेबसाइट, ठीक है ये मान के चलो। फिर अगर वैल्यू वन की जगह फिर एल्स इफ पे जाते हैं, फिर एक कंडीशन लगाते हैं। ये तो हमारे ऊपर कंडीशन, जितना ज़्यादा आप बाइंड कर सकते हैं उतना ज़्यादा, मतलब यही चीज़ें होती हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपने फंक्शन, मतलब जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं कोड, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। एल्स इफ में गए, ठीक है, इसमें फिर मैंने लगाया कि मान लो काउंट इक्वल टू टू हो गया, तो इसकी कंडीशन में नेम की वैल्यू कुछ और हो जाए, नेम इक्वल टू मान लीजिए एक्स वाई जेड हो जाए, एक्स वाई जेड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एरर एक्सपेक्टेड, अच्छा ये यहाँ पे हमने ये लिखा ना, इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे आए ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे टू पे एक्स वाई जेड आए। अब फिर मैं थ्री पे फिर से प्रदीप मौर्या कर देता हूँ, थ्री इक्वल टू प्रदीप मौर्या, ऐसे प्रदीप मौर्या इक्वल टू थ्री हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये कंडीशन हमारे ऊपर है, जितना ज़्यादा हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे इसको ना डिफाइन करके यहाँ पे सीधे लिखेंगे नेम, क्योंकि अब नेम की वैल्यू वहाँ से हम ऑटोमेटिक यहाँ चेंज कर रहे हैं। अब मैं सेव करता हूँ, अब चलते हैं यहाँ पे, इधर का अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, इसकी जगह टू की जगह आप थ्री कर लीजिए, यहाँ पे तीन तीन की वो आता है ना, आप कह सकते हैं ना कि टाइप चेक करना, थ्री कब यूज़ करते हैं, जब हमें नाम के साथ मतलब जो भी वैल्यू कंपेयर करने के साथ साथ उसके टाइप्स भी कंपेयर करने होते हैं, तो ये थ्री सेव किया हमने, चलते हैं। अब यहाँ पे सही है, रिफ्रेश किया, अब एरर जो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा था वो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक किए, वन हुआ, टू पे देखिए चेंज हुआ, थ्री पे एक्स वाई जेड आया, फिर यहाँ पे फोर पे फिर प्रदीप मौर्या आया, फिर प्रदीप मौर्या आया। इस तरीके से अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जीरो है, क्लिक किया वन, चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे हमने कंडीशन यहाँ वन इक्वल ट्यूटोरियल्स वेबसाइट लिखा था, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद यहाँ पे वापस जा रहा है। अगर हम इसको प्री की जगह पोस्ट कर दें तब ये एक साथ काम करेगा, देखते हैं क्या काम करता है। सेव करते हैं हम इसको, यहाँ पे गए, रिफ्रेश हुआ, अब क्लिक किए तो ये देखिए वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आता है वो प्री के साथ आता है, जो पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है उसके बाद वहाँ पे डिस्प्ले करता है, इसीलिए ये दिक्कत है कि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया काउंट यहाँ पे हुआ और सेट हो गया उसकी वैल्यू, वहाँ पे डिस्प्ले हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन के अंदर अगली बार जब आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पे वैल्यू आ उसकी गेट होगी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप रिफ्रेश कर रहे हैं, वन क्लिक किया यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन जब दोबारा क्लिक करेंगे तब ना आपके कंडीशन में वन की वैल्यू यहाँ पे गेट होगी। इस कंडीशन में जब दोबारा क्लिक होगा तब तो स्टेट की वैल्यू आएगी कि स्टेट की वैल्यू अब क्या है, उसके हिसाब से आप कंडीशन चेंज होगी। तो इस वजह से प्री इंक्रीमेंट में आपको जब दोबारा क्लिक करते हैं तब यहाँ पे यहाँ पे टू होता है तब यहाँ इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये तरीका है स्टेट में वैल्यू चेंज करने का। तो आई होप आपको स्टेट समझ में आया होगा, स्टेट क्यों यूज करते हैं और स्टेट की हेल्प से हम कैसे प्रॉप्स की वैल्यू में चेंजेस डायनेमिकली चेंजेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को हमारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।